हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेबोसर केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों को नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ाने वाला हूं कि आखिर पॉलीफंक्शनल ग्रुप में नोमेनक्लेचर कैसे किया जाए। बहुत सारा जब फंक्शनल ग्रुप आ जाए, ठीक है, एक कार्बन चेन अगर बहुत लंबा कार्बन चेन रहे और उसमें बहुत ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए, मैंने पॉलीफंक्शनल ग्रुप का मतलब यही होता है कि बहुत ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, मैंने दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप यदि आ जाए तो उस केस में नोमेनक्लेचर हम लोग किस टाइप से करने वाले। तो एक्चुअली में आप लोगों को नोमेनक्लेचर उस टाइम में करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आप लोगों को प्रायोरिटी देखना पड़ेगा, ठीक है। 10-12 फंक्शनल ग्रुप है, 10-12 फंक्शनल ग्रुप आपको क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटी करना पड़ेगा। प्रायोरिटी का मतलब क्या है कि पहले कौन आने वाला है, और जो पहले आएगा प्रायोरिटी में उसको क्या करना, मेन सबस्ट्रीट मैंने मेन फंक्शनल ग्रुप मान लेना है, और बाकी बात जो बचने वाला है उसको क्या मान लेंगे हम लोग, सबस्ट्रीट। सपोज इसने एग्जांपल ले लिया, मैंने इसको ले लिया, ये हो गया ना, ये मेरे को मतलब ये इसको मैंने मान लिया, ठीक है। यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे इथर ग्रुप है, CH3, ठीक है। और यहाँ पे क्या मैंने मान लिया, यहाँ पे सपोज दैट मैंने इसको मान लिया NH3 MN ग्रुप को मान लिया, ठीक है। और ये वाला यहाँ पे कीटोन ग्रुप हो गया। सपोज दैट देखिए इतना सारा फंक्शनल, कितना फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले देखिए एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होते हैं, मैंने जब समझा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर जल्दी बहुत सारा पॉलो फंक्शनल ग्रुप है, बहुत ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गया, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये एल्कोहल एल्डिहाइड, ये कीटोन ग्रुप, और ये क्या है, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, तो ये जो है इस्टर बोल देंगे इसको, क्या बोलेंगे, इस्टर। और ये क्या है, एमिन ग्रुप है। तो कितना फंक्शनल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में हम लोग पहले किसको प्रायोरिटी दें, किसको माने प्रायोरिटी, ठीक है। तो उसी के उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टेबल आप लोग उसके पहले मैंने आप लोग को दिखाया था, उसको ध्यान पूर्वक देखे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं फिर बताने वाला हूँ उसको टेबल को, मैंने उसमें प्रायोरिटी के बारे में बताया है कि सबसे पहले कौन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया क्या हो गया, मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, क्या हो गया, मेन फंक्शनल ग्रुप। और ये जब मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया तो बाकी पर जितना सारा जो बचा है ना, सब क्या हो गया, सब क्या हो गया, सब सब्स्टिट्यूएंट, यानी सब ब्रांच हो गया। और जब सब ब्रांच हो जाएगा, जब सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो उस केस में क्या करना पड़ता है, उस केस में प्रीफिक्स सब लगता है, क्या सबका प्रीफिक्स क्या करना पड़ेगा, सबका प्रीफिक्स जानना पड़ेगा, ठीक है। इसके वाला जब आप लोग देखेंगे ध्यान पूर्वक, जो मैंने आप लोगों को लगाया था वीडियो, मतलब फोटो कुछ लगाया था उस वीडियो में, अगर ध्यान पूर्वक आप लोग देखेंगे तो मैंने बताया था वहाँ पे सबका प्रीफिक्स लिखा है, एक साइड में प्रीफिक्स लिखा है, एक साइड में सफिक्स लिखा है, एक साइड में फंक्शनल ग्रुप लिखा है। और एक इसमें क्या था कि यदि हम लोग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जो हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तो उसका भी नाम में कुछ ना कुछ चेंज होगा, आप लोग देखेंगे जरूर ध्यान पूर्वक से। मैं यहाँ पर फिर से उसको राइट डाउन करने वाला हूँ, आप लोग को समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ में आ गया होगा कि फंक्शनल ग्रुप यदि बहुत सारा हो जाएगा तो आप लोगों को नामकरण जो करना पड़ेगा उसमें से किसी एक को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। अब प्रायोरिटी किसको देना पड़ेगा वो हम तो उसको तो आप लोग देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि प्रायोरिटी पहला किसको दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जितना सारा जो बाकी बचने वाला है वो सब क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा, यानी सब क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। जो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा तो उसमें अगर हम राइट डाउन करेंगे, नामकरण करेंगे, तो किसके अनुसार करेंगे, लिखेंगे किसके अनुसार लिखेंगे, तो अल्फाबेटिकल हम लोग चलने वाले, ठीक है ना। यहाँ पे पहले आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, हम समझ रहे हैं, बट धीरे धीरे आप लोगों को सब समझ में आने वाला है, ठीक है। आप लोग घबराना नहीं, बस पैशन रखे, आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए, हर एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा की कोशिश करूंगा, और 100% आप लोग हर एक पॉइंट समझ में आने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो आप लोग को अपलोड कर चुका हूं, यदि आप लोग हर एक वीडियो को देखते आ रहे हो तो इसमें भी आप लोग को ऐसा कोई पॉइंट नहीं जो समझ में नहीं आने वाला, हर एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने की कोशिश करूंगा और आपको 100% समझ में आने वाला है, इसमें कोई डाउट और कोई मतलब ये नहीं है, ठीक है ना, दिक्कत होने वाला नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ उसको एग्जांपल को लिए, मतलब आप लोग अल्फाबेटिकल जो मतलब ये क्या है सीरीज जो है उसमें छापता हूँ, आप लोग दिखाता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी को देखते हैं, ठीक है। उसको प्रायोरिटी में लिखता हूँ, उसके बाद जो कॉलम में आप लोग को दिखाया था वीडियो में उसको बाद में बताने, मतलब उसको लास्ट में दिखाऊँ, पहले उसको मैं चमका देता हूँ, ठीक है। प्रायोरिटी सबसे पहले जो दिया जाता है, सबसे पहले किसको दिया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को दिया जाता है, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड को दिया जाता है। इसको लाइट डाउन कर दीजिएगा थोड़ा सा, सबसे पहला प्रायोरिटी 27, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, उसके बाद ए एसिड अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड, इस्टर, एमाइड, सॉरी इस्टर के बाद आता है एसिड हैलाइड आता है, एसिड हैलाइड, एमाइड, साइनाइड,
नाइटल भी कर सकते हैं आप लोग, साइनाइट, इसका भाई का नाम आइसोसाइनाइट, इसको आइसोनाइट्राइल भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, छूट गया, उसके बाद ये एल्डिहाइड कीटोन आ जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल, बढ़िया दिख रहा है ना, एल्कोहल थायो एल्कोहल एंड हो गया ना, उसके बाद एमीन, इसको एमाइन बोलते हैं, एक होता है इथर, जिसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये जा बिहेव्स एज अ ब्रांच, ही हमेशा ब्रांच की जैसे बिहेव करता है, नहीं सबस्टिट्यूएंट के फॉर्म में रहता है। तो इसको आप लोग राइट टोन कर लीजिए, जो जो मतलब जो प्रायोरिटी जो आने वाला है ना, सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी तो देंगे, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले इसको देंगे, उसके बाद इसको, इसको मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन एल्कोहल, थायल एल्कोहल, एमीन एंड इथर, ठीक है ना। देखिए अब बोलिए इसका ट्रिक्स क्या है, तो ट्रिक्स बेटर रहेगा कि आप लोग ट्रिक्स किसी को याद मत कीजिएगा, क्योंकि जितना दिन में आप लोग ट्रिक्स को याद कीजिएगा उतना दिन में आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, और एक कंडीशन आप लोग एक अप्लाई कर लीजिए, जितना सारा ट्रिक्स आप लोग याद कीजिएगा उतना ज्यादा उससे क्या होता है, दिमाग का जो मेंटेलिटी होता है घटता है। इससे बेटर रहेगा कि ट्रिक्स से बचें और अपना माइंड को यूज करके इसको याद करें, ट्रिक्स याद करने में भी टाइम लगेगा और इसको याद करने में भी टाइम लगेगा, तो बेटर यही रहेगा कि किसी चीज को भी आप लोग अपना माइंड से, माइंड का प्रयोग करके उसको याद करने की कोशिश कीजिए। अगर ट्रिक्स याद कीजिएगा तो बहुत दिक्कत होगा, आप लोग अगर यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिए उसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को ट्रिक मिल जाएगा, बट ट्रिक्स याद करने से बेटर नहीं रहेगा। आप लोग इसको क्या कीजिएगा, खुद माइंड का यूज करके याद कीजिएगा, अगर याद नहीं हो रहा है तो इसको आप लोग कॉपी में राइट डाउन कीजिए 5-6 बार, आप अपने आप याद हो जाएगा। अगर वैसा भी याद नहीं हो रहा तो इसको कहीं कहीं पे एक जगह रख दीजिए, लिख के उसको रोज देखिए, रोज देखिए, रोज देखिए, अपने आप याद होने वाला है। ऐसा नहीं कि कोई चीज ऐसा आप लोग मनुष्य याद ना हो सके, मनुष्य हर एक चीज याद हो सकता है, बट उस पर आप लोग का क्या कंसंट्रेशन रहना चाहिए, आपका माइंड उस पर फोकस होना चाहिए, 100% याद होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग बताने वाला हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पर कितना, इसका प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, यदि हम लोग कार्बन को काउंट नहीं करेंगे तो उसका नाम क्या होने वाला है, सारे को मैं बारीकी तरीके से आप लोग समझाने की कोशिश करूंगा। बस आप लोग पैशन रखिए और आप लोग बढ़िया तरीके से देखने की कोशिश कीजिए, 100% समझ में आने वाला है, ठीक है। देखिए हेडिंग यही चलने वाला, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे प्रीफिक्स रहेगा, यहाँ पे सफिक्स रहेगा, यहाँ पे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, इसको आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, मैं डिटेल पूर्वक समझा रखा कि वैसे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन चेन के लास्ट से जाके अटैच हो, कार्बन चेन के लास्ट से अटैच हो, उस केस में क्या होता है कि कार्बन के लास्ट साइड से अटैच हो, और दूसरी बात क्या हो, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, माने टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप इसको कहते हैं जो कार्बन को रखता है, जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है। तो उस केस में क्या होता है कि कभी कभार हम लोग होते हैं ना कि फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन को रखता है उसको हम लोग कभी कभार काउंट भी कर लेते हैं और कभी कभार काउंट नहीं करते। जब काउंट करते हैं तो उसका नाम इस फॉर्म में आ जाएगा, बट जब काउंट नहीं करेंगे तो उसका नाम यहाँ पे लिखने वाले। अब कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है यहाँ पे सब देखने वाले हम लोग और डिटेल पूर्वक समझने वाले, ठीक है। तो आप लोग इसको हेडिंग पे लगा लीजिए और आप लोग मेरे साथ उतारते जाइए, छापते जाइए, ठीक है, बेटर रहेगा। सबसे पहले नंबर पे आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक, मैंने प्रायोरिटी जो दिया है इसी तरह से दिया, यहाँ पे भी मैं इसी तरह से लिखने वाला हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन जो होता है इस तरह से होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ऐसा ही होता है ना, यहां से अल्काइल ग्रुप आके अटैच मिल जाएगा। इसका जो प्रीफिक्स होने वाला है वो क्या हो जाएगा, इसका प्रीफिक्स, इसका प्रीफिक्स हो जाएगा कार्बोक्सी, क्या हो जाएगा कार्बोक्सी, और यहां पे जो सफिक्स होने का हो जाएगा ओइक एसिड, ठीक है। यहां पे जो इसका यदि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होगा ना, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग है और कार्बन कंटेनिंग है तो हम लोग अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पे ओइक एसिड को यूज करेंगे, अगर कार्बन को काउंट नहीं करेंगे तो किसका प्रयोग करने वाले हैं, तो यहाँ पे करने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का। यदि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज जाके मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा, वहां पे मैंने समझा रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम क्यों पड़ रहा है और मतलब कार्बन को हम लोग कब काउंट कर पाते हैं, कार्बन को कब काउंट नहीं कर पाते, वहां पे मैंने समझा रखा है बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले जाके आप लोग देख लीजिए इस वीडियो को, बेटर रहेगा, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इसको कार्बोक्सी बोलते हैं, ओइक एसिड बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, ठीक। दूसरा नंबर में आने वाला है सल्फोनिक एसिड, इसमें जो होने वाला है सल्फो, क्या होगा सल्फो, यहां पे जो होने वाला है सल्फोनिक एसिड, इसका तो कार्बन कंटेनिंग होगा नहीं ना, इसका कोई कटिंग लीजिए, कोई तो होने वाला नहीं इसका, ठीक है।
तीसरा नंबर में आएगा एसिड अनहाइड्राइड। इसके पहले वाले मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है एसिड अनहाइड्राइड क्या होता है। एसिड अनहाइड्राइड इसमें जो होगा इसका सफिक्स कुछ नहीं होता, इसका सिर्फ सफिक्स होता है, वो क्या होता है ओइक अनहाइड्राइड। ओइक ओइक अनहाइड्राइड इसका तो कार्बन कंटेनिंग तो है, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं इसका, इसका इसका कुछ हिस्सा होता है, ठीक ना, देख लीजिएगा SO3H ये होता है इसका रिप्रेजेंटेशन। इसका क्या होता है, इसका कुछ हिस्सा होने वाला है, देखिए सी डबल ओ, वो डबल बॉन्ड होगा ओ सी ओ, ये होगा इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसी वजह से सब हिस्सा का नॉमिनल क्लासेस मैंने पढ़ा चुका पहले आप लोगों को, ठीक है। तीसरा नंबर चौथा नंबर में क्या हो जाएगा, चौथा नंबर में आ जाता है ईस्टर। ईस्टर का रिप्रेजेंटेशन जो होता है ऐसा होता है सी ओ ओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्काइल ग्रुप, जो इसको मैं बोलते हैं सी डबल ओ आर, ठीक ये हो जाएगा। यहाँ पे भी जैसे जहां जहां पे खाली वहां पे हर एक जगह आर आने वाला है, ठीक है ना, कौन आने वाला है आर, यानी अल्काइल ग्रुप आने वाला है, ठीक। इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव होता है। देखिए अगर राइटिंग में आप लोगों को दिक्कत हो रहा है ना, तो आप लोग घबराइए मत, सिर्फ देखते जाइए समझते जाइए। इसके पहले आप लोग देखे होंगे, यदि वीडियो स्टार्टिंग से देखे हो तो मैंने आप लोग क्या इमेज लगा दिया था, उस इमेज से आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। बस यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ईस्टर का क्या हो जाएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है, इसका अल्काइल ये होता है अल्काइल, मतलब ये जो होता है इसको क्या हमेशा नाम क्या दिया जाता है, अल्काइल नाम दिया जाता है। इसका नाम हमेशा क्या अल्काइल दिया जाता है, इसको क्या बोलते हैं अल्केन। ऐसे में पढ़ा रखा है, इसका नाम क्या हो जाने वाला है यहाँ पे, तो इसका नाम जो होगा वो क्या हो जाएगा एलोक्सी, एलोक्सी कार्बोनिल, क्या हो जाएगा एलोक्सी कार्बोनिल, ठीक है। इतना हम लोग बोले ना एलोक्सी, ये तो एलोक्सी ही होगा, और इसको क्या बोलते हैं कार्बोनिल, तो एलोक्सी कार्बोनिल। इसका सफिक्स जो होने वाला है क्या हो जाएगा, इसका सफिक्स हो जाएगा अल्काइल, ठीक है, ये वाला अल्काइल। उसके बाद एल्केनोइट, एल्केनोइट ये भी कार्बन कंटेनिंग है, और कार्बन कंटेनिंग चाहे ना, अगर यदि कार्बन कंटेनिंग है, कार्बन को काउंट नहीं करेंगे तो उसके इसमें इसका नाम क्या होने वाला है, तो इसके इसमें इसका नाम होने वाला है कार, सॉरी अल्काइल पे लिखना पड़ेगा, अल्काइल कार्बोक्सीलेट, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। जैसा चौथा नंबर पांचवा नंबर में आ जाता है कौन, तो इसमें आ जाता है एमाइड, सॉरी एसिड हैलाइड आ जाता है, एसिड हैलाइड। हैलाइड मतलब क्या होता है, वही जो हेलोजन ग्रुप को प्रेजेंट करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है ये, ठीक है, ये हैलाइड ग्रुप। यहाँ पे क्लोरो क्लोरो सब होने वाला है, इसका नाम क्या होगा हेलो, क्या होगा हेलो चो, हेलो फॉर्माइल, हेलो फॉर्माइल इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा तो क्या लिखेंगे क्लोरो फॉर्माइल, ब्रोमो आ जाएगा तो ब्रोमो फॉर्माइल, जो आने वाला वही, ठीक है। और इसमें इस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा, मतलब सफिक्स में इसका नाम क्या होने वाला है, तो सफिक्स इसका नाम जो होने वाला क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये मतलब ऑयल, ऑयल हैलाइड, क्या होगा ऑयल हैलाइड, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑयल हैलाइड मतलब ओ आई एल, ठीक है, हैलाइड ग्रुप पे यहाँ पर क्लोरीन आ गया तो ऑयल क्लोराइड, ऑयल ब्रोमाइड सब आने वाला है। इसमें भी कार्बन कंटेनिंग है, कार्बन कंटेनिंग है, कार्बन को काउंट नहीं कर पाएंगे, उसके इसका नाम क्या होने वाला है, तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोनिल, क्या होगा कार्बोनाइल हैलाइड। सब ये पढ़ा रखा है मैंने आप लोगों को, मैंने जितना सारा प्रीवियस क्लास लिया हूं, मैं हर एक पॉइंट को डिटेल लोग समझाने की कोशिश की और समझाया आप लोगों को। छठा नंबर में क्या होने वाला है, तो इसमें आ जाएगा एमाइड। एमाइड का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आर सी डबल ओ एन एस टू होता है, ठीक। इसमें भी जो होगा इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होता है कार्बामोयल, कार्बामोयल ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। और इसका ये क्या हो जाएगा, मैंने सफिक्स फॉर्म क्या होने वाला है, तो इसका सफिक्स फॉर्म जो होने वाला है वो हो जाएगा ये क्या होगा इसका, हाँ एमाइड ग्रुप, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, एमाइड से लिख दीजिएगा, ठीक है ना। और इसका जो अगर कार्बन कंटेनिंग है ना, कार्बन को काउंट नहीं करवाएंगे, इसका इसमें इसका नाम क्या होने वाला है, तो हो जाएगा कार्बोक्सीलेट, क्या हो जाएगा कार्बोक्सामाइड, सॉरी कार्बोक्सामाइड, ठीक है कार्बोक्सामाइड, ठीक। अब सातवां नंबर में कौन आता है, सातवां नंबर में कौन एमाइड हो गया, साइनाइड आ जाएगा, साइनाइड। इसके पहले प्रीवियस क्लास में मैंने इसी के बारे में डिटेल किया था, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है। इसका भाई लिख देते थे आठ नंबर में, इसका भाई का नाम कौन है, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है। इसका क्या होता है, चेंजिंग क्या होता है, ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड एसी हो जाता है, कुछ समझाया था इसके पहले वाला क्लास में, ठीक समझ में आ रहा ना। थोड़ा राइटिंग बहुत अच्छा मेरा है, क्या करें, बट मैनेज कर लीजिए खुद से, ठीक है। साइनाइड इसका नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका नाम होने वाला है साइनो, क्या हो जाएगा नाम साइनो। और यहाँ पे किसका नाम क्या होने वाला है, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइल, ठीक है नाइट्राइल, एन आई टी
आर आई एल नाइट्रल, ठीक है। यहां पे क्या नाम है फिर से देख लीजिए, एन आई टी आर आई एल नाइट्रल, और यहां पे क्या हो जाएगा कार्बो नाइट्राइल, कार्बो नाइट्राइल, कार्बो नाइट्राइल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसी तरह आइजो साइनो, यहां पे क्या होने वाला है आइजो नाइट्राइल, ठीक है। यहां पे क्या कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो इतना आप लोगों को 7-8 पॉइंट मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है ना। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, अगर आप लोग से राइट डाउन नहीं हो पा रहा, राइटिंग समझने में दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग क्या मतलब क्या कीजिएगा, जो मैंने पहले आप लोग को जो सबसे पहला स्टार्टिंग से वीडियो स्टार्ट हुआ ना, तो उसमें मैंने कुछ इमेज लगा रखा, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा, अगर नहीं पॉसिबल हो पाएगा तो पहला स्टार्टिंग पॉइंट में मैंने इमेज लगा रखा होगा, तो इस इमेज से आप लोग वहां से राइट डाउन कर लीजिए, मैंने जो वहां पे लिखा है वही चीज को यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, एक बार मैं फिर से पढ़ा देता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो होता है कार्बोक्सी, और एक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सल्फोनिक एसिड का सल्फो, सल्फोनिक एसिड कुछ नहीं होता है, ठीक है। एसिड अनहाइड्राइड का आर सी ओ, आर सी डबल ओ सी ओ, ये होता है, ठीक। यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप आने वाला है, ठीक। इसका तो परफिक्स कुछ नहीं होता, बट इसका सफिक्स जो होता है ओइक अनहाइड्राइड होता है। इसी तरह इस्टर को होता है आर सी डबल ओ आर, एलोक्सी कार्बोनियम, अल्काइल एल्केनोइड, अल्काइल कार्बोन कार्बोक्सिलिक, ठीक है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड का आर सी डबल ओ एक्स, ठीक है। इसका हो जाएगा हेलोफॉर्माइल, परफिक्स सफिक्स हो जाएगा ऑयल हैलाइड, एंड टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा कार्बोनिल हैलाइड हो जाएगा, ठीक। इसके बाद छठा नंबर में कौन क्या जाता है एमाइड, एमाइड को बोलते हैं आर सी डबल ओ एन एस टू, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं परफिक्स में क्या बोलते हैं कार्बो कार्बामोइल बोलते हैं, और इसका सफिक्स में क्या बोलते हैं एमाइड, और इसका जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जो होता है इसका कार्बन को अगर काउंट नहीं कर पाएंगे तो इसमें क्या बोलेंगे हम लोग कार्बोक्सामाइड, क्या बोलेंगे कार्बोक्सामाइड, ठीक है। सातवां नंबर में क्या है साइनाइड, साइनाइड का रिप्रेजेंटेशन आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसको बोलते हैं परफिक्स में साइनो, सफिक्स में बोलते हैं नाइट्राइल, और टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन को काउंट नहीं कर पाएंगे तो उसके इसमें क्या बोलेंगे कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। आठवां नंबर में आइसोसाइनाइड, इसका भाई है साइनाइड का आइसोसाइनो आइसोनाइट्राइल, इसमें तो कार्बन कंटेनिंग है बट जो है लास्ट में लग रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली अटैच्ड रिंग से नहीं है, ठीक है ना। तो इसका नाम कुछ नहीं होता है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, इसका नाम कुछ नहीं, तो मैं इसको मिटाता हूँ। देखिए अल्डिहाइड एक बच गया, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी, एल्डिहाइड टाइम बहुत जल्दी कंज्यूमिंग हो जाता है लिखने पर, एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल, ठीक है, एक होता है थायोल एल्कोहल, थायो एल्कोहल और एमीन, ये सब होता है, ठीक है ना। इसका जो परफिक्स सफिक्स जो होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी, सॉरी हाइड्रोक्सी फॉर्माइल बोला जाता है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसका क्या बोलते हैं लोग फॉर्माइल। इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से किया जाता है आर सी डबल ओ एच, ठीक। इसका जो होता है ये क्या परफिक्स क्या होता है तो इसको बोल देंगे हम लोग ये फॉर्माइल, ठीक है। फॉर्माइल, फॉर्माइल भी बोल सकते हैं, एक्जो भी बोल सकते, देखिए ध्यान दीजिएगा फॉर्माइल कब बोलेंगे ऑक्जो को, मैं जब एग्जांपल आप लोगों को समझाऊंगा तो वहां पे समझ में आने वाला है। इसका जो सफिक्स होता है वो होता है अल, आप लोग जानते हो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन कंटेनिंग, तो क्या बोलेंगे कार्बन डिहाइड, कार्बन डिहाइड, ठीक है ना। एक कीटोन का क्या बोलते हैं ऑक्जो भी बोल सकते हैं एंड कीटो भी बोल सकते हैं, ठीक है। बट इसमें एक्सेप्शन ऐसा है, क्या है कि अगर हम कार्बन को काउंट कर लेंगे, ठीक है, तो उस केस में क्या परफिक्स में क्या बोलेंगे ऑक्सो, अगर कार्बन काउंट नहीं करेंगे तो फॉर्माइल बोलने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होने वाला है कीटोन यहाँ हो जाएगा ऑन, ये कार्बन कंटेनिंग है बट ये कार्बन कंटेनिंग तो है लेकिन क्या टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं। अल्कोहल का क्या होता है हाइड्रोक्सी होता है ना, हाइड्रोक्सी, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा ऑल हो जाएगा, ऑल नहीं ऑल, ये तो कार्बन कंटेनिंग है नहीं, ओएल है, ठीक है ना। थायोल करके क्या हो जाएगा थायोल हो जाएगा, थायोल थायोल, ठीक है। इसका क्या होता है मर कैप्टो, मर कैप्टो, इसी चीज से ज्यादा आता नहीं फिर भी लिख लीजिए कभी काम आ जाए। इसको बोलते हैं एमिनो और इसको क्या बोलते हैं एमाइन बोलते हैं, ठीक है ना। इसका तो ये होगा नहीं, ठीक है ना। इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है सी डबल ओ, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा OH होता है, इसका क्या हो जाएगा SH होता है, और इसका क्या होगा NH3 होता है, ठीक है। NH3, आई होप लोगों को समझ में आ गया। तो सारा का सारा मैंने आप लोगों को बता दिया और समझा भी दिया। अब मैं क्या करता हूँ इसका एग्जांपल लेके देखता हूँ, एग्जांपल में किस तरह से हम लोग को नामकरण करना है, ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। देखिए यहाँ से कुछ हम लोग बढ़िया बढ़िया एग्जांपल लिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, एग्जांपल्स में कुछ आप लोग समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोग उससे पहले क्या करिए चार्ट को खुद से एक जगह उसको राइट डाउन कर लीजिएगा और उसको एक जगह कहीं पर लिख के देखिए, उसको समझते रहिए, ठीक है। मैंने समझा रखा था क्या, सबसे पहले आपको क्या करना प्रायोरिटी करना, प्रायोरिटी देखना है कि इसमें सबसे पहले कौन जो है मेन फंक्शनल ग्रुप बोले या तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप भी बोल सकते हैं लोग, ठीक है ना। मेन फंक्शनल ग्रुप भी बोल सकते हैं तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं, तो कौन बनने वाला है जो पहले प्रायोरिटी किसमें, जो मैंने आप लोगों को टेबल बताया उस टेबल में जो पहले आएगा उसी को प्रायोरिटी पहले देंगे हम लोग। तो मैंने आप लोगों को बताया था क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड,
एसिड अनहाइड्राइड, फिर उसके बाद क्या होता है एसिड अनहाइड्राइड के बाद ईस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायल, एमीन, इथर, ये मैंने आपको बता चुका था ठीक है ना। इसको देखिए मैं आप लोगों को पहले भी समझाया अभी भी समझा रहा हूं कि ट्रिक्स मत से आप ट्रिक्स मत आप कीजिएगा, बेटर रहेगा कि आप लोग उसको माइंड में सेटअप कर लीजिए। माइंड में सेटअप कैसे करना है उसको जाकर आप लोग रोज एक जगह दीवार में मतलब लिख के रख दीजिए, उसको रोज देखिए अपने आप आता हो जाएगा। आज करने का बेस्ट ट्रिक्स है, इससे और बढ़िया ट्रिक्स कोई नहीं है ठीक है ना। देखिए समझते हैं इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है। सबसे पहले इसमें जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप यानी मेन फंक्शनल ग्रुप जो बनने वाला है 100% ही बनेगा, बाकी बात सब क्या बनेगा सबस्टिट्यूएंट। और बाकी बात जब सारा जब सबस्टिट्यूएंट बनेगा तो उसमें क्या करना आप लोगों को नंबरिंग जो करना अल्फाबेटिकल करना, लिखना भी जो अल्फाबेटिकल लिखना ठीक। समझाता हूं मैं, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 एंड 4 हो जाएगा ठीक। इसका नाम क्या देखिए यहाँ पे क्या है एमिन ग्रुप, ये फॉर एमिन, और ये क्या हाइड्रोक्सी होता है ना इसका प्रीफिक्स, मैंने बता रखा है ना कि अगर वो मेन ब्रांच या तो सेकेंडरी या तो प्राइमरी ब्रांच के जैसा बिहेव, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप जैसा बिहेव ना करे तो बाकी जो बचने वाला है वो क्या हो जाएगा पफिक्स जैसा बिहेव। मैंने देखिए इसका नाम तो 100% सफिक्स में होगा, बट ये लोगों का नाम क्या होगा पफिक्स, इसका नाम तो सफिक्स में होगा, ये दोनों का नाम क्या होगा पफिक्स में होगा। देखते थोड़ा समझते बढ़िया, देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए ये कितना नंबर पे 2 नंबर, पहले कौन आएगा ये या ये आएगा पहले एच आएगा, तो पहले कौन आएगा एमिन ग्रुप, लेकिन हम लोग 2 एमिनो लिखेंगे ठीक है ना। इसका यही होता है एमिन का क्या होता है एमिनो, तो 2 एमिनो, उसके बाद 3 हाइड्रोक्सी, अल्कोहल का क्या होता है प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी, टोटल नंबर कितना 4, 4 में क्या बोलते हैं ब्यूटेन, उसको लगा देंगे ब्यूटेन, वही कैसी। तो इस तरह से इन लोगों का नामकरण करना है, आई होप लोगों को समझ में आ रहा हो ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है बिहेव, ये कैसा बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे जो बिहेव कर रहा है ना वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बोल दीजिए तो मेन फंक्शनल ग्रुप जैसा बिहेव कर रहा है, इसलिए हम लोग इसका नाम लिख रहे हैं यहाँ पे ओइक एसिड, यहाँ पे इसका सफिक्स जुड़ा, बट सारा का सारा जैसा मतलब जैसे अल्कोहल ग्रुप का क्या होता है प्रीफिक्स, तो हाइड्रोक्सी, तो इसलिए हाइड्रोक्सी को मैंने जोड़ा, यहाँ पे अल नहीं लिखा क्योंकि अल्कोहल का जो अल होता है वो क्या होता है सफिक्स, तो यहाँ पे सफिक्स जैसे बिहेव नहीं करेगा, सफिक्स जैसे बिहेव कब करेगा जब वो मेन फंक्शनल ग्रुप या तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप से बिहेव करेगा ठीक है ना। समझ में आ रहा बात को ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरह से ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है, उतना ही और कुछ ले लेता हूं मैं, और क्या ले लू बस नाइन लीजिए ठीक है। तो इसमें जो है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन कौन मान मतलब माने, तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप जो होने वाला है यहाँ पे ये होने वाला है, कीटोन होगा क्या नहीं, हम लोग याद रखें एल्डिहाइड यही ना, एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल ठीक है, यही थायल एल्कोहल एमिन एंड इथर याद रखे ना, तो पहले कौन आ रहा है एल्डिहाइड को लोग क्या मानेंगे प्राइमरी प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मानेंगे या तो मेन फंक्शनल ग्रुप, तो काउंटिंग लोग यहाँ से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये तो कीटोन ग्रुप है ना, एक बात और आपको याद रखना है, देखिए हर एक फंक्शनल ग्रुप को आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन यहाँ पे बिहेव कर रहा है, मतलब कौन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे, तो यहाँ पे सी डबल ओ का मतलब क्या होता है कीटोन होता है कि नहीं, तो यहाँ पे कीटोन क्या करेगा, तो कीटोन का प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, कीटोन का प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब प्रीफिक्स क्या होता है कीटोन का, तो ऑक्सो होता है, ऑक्सो भी होता है कीटो भी होता है ठीक, यहाँ पे लिखेंगे 3 ऑक्सो हो जाएगा, टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या बोलते हैं हेक्सेन, तो यहाँ पे हो जाएगा हेक्सेनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा हेक्सेनल। हेक्सेनल क्यों हुआ क्योंकि एल्डिहाइड यहाँ पे जो है ना वो प्राइमरी सफिक्स के मतलब प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, और प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो उसका हम लोग प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे सफिक्स लिखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे सफिक्स लिखा ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसी तरह यहाँ पे देखिए, देखिए सारे एग्जाम्पल सब लोग को बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है, इसलिए एग्जाम्पल को बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, वहां से मैं हर एक चीज को आप लोग क्लियर करने वाला हूँ ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्राइमरी प्रीफिक्स होने वाला कौन सा होने वाला है, तो प्राइमरी मतलब प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा होने वाला है सल्फोनिक एसिड होने वाला है, मैंने पढ़ रखा है कौन क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनिक एसिड एसिड अनहाइड्राइड ईस्टर एसिड हैलाइड एमाइड ठीक है, उसके बाद क्या साइनाइड आइसोसाइनाइड, फिर उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल थायमिन इथर, ये सब तो मैंने पढ़ रखा है। देखिए जितना बार मैं बोलूंगा आप लोग थोड़ा ध्यान सुनते सुनने की कोशिश कीजिए, आप लोगों को थोड़ा सा मतलब पूरा पूरा तो नहीं थोड़ा बहुत आंख हो जाने की कोशिश करवाऊंगा मैं। तो यह कितना हो गया देखिए 1 हो गया 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा ठीक है, ये 6 हो गया ना। अब देखिए ये ए फोर एमी और ये क्या है ये यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे कार्बामोइल, मैंने पढ़ा रखा है क्योंकि मैं आप लोग को ये भी बता रहा हूँ बार बार कि किसी एक को जो मैं प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं ना तो बाकी बात जो बचता है ना वो सब सबस्टिट्यूएंट के जैसा बिहेव करेगा, और जब सबस्टिट्यूएंट के जैसा बिहेव करेगा तो उसका क्या लगने वाला है यहाँ पे प्रीफिक्स लगने वाला है, सफिक्स किसी का लगेगा नहीं, सफिक्स कब लगता है जब हम उसको प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, तो बट यहाँ पे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन है सल्फोनिक एसिड हो जाएगा ना, क्योंकि जब मैं प्रायोरिटी की ओर देखता हूँ तो सेकंड नंबर पर कौन आता है सल्फोनिक एसिड आता है ठीक है, तो प्रायोरिटी हम लोग इसको देंगे, बाकी सबको क्या देने वाले हैं सबको सबस्टिट्यूएंट देने वाले, और जो सबस्टिट्यूएंट में आता है उसको क्या लिखते हैं हम लोग तो प्रीफिक्स लिखते हैं, तो सब सारे हम लोग क्या लिखते हैं प्रीफिक्स,
तो साइनाइड साइनाइड ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप का प्रीफिक्स क्या होता है, कार्बोनाइल होता है, क्या होता है, कार्बामोइल, कार्बामोइल, ठीक है, कार्बामोइल हो गया, ये हाइड्रोक्सी एच फोर हाइड्रोक्सी होता है, ठीक है, एमिनो, तो पहले कौन आ गया, देखिए तो पहले एक और हाइड्रोक्सी आती है, लिखेंगे हम लोग टू टू एमिनो, क्या लिखेंगे, टू एमिनो, ठीक है, टू एमिनो, उसके बाद कौन सा लिखेंगे, फोर हाइड्रोक्सी लिखेंगे, या पहले फिर उसके बाद लिखेंगे फोर कार्बामोइल, फोर कार्बामोइल, उसके बाद क्या लिखने वाले, कितना नंबर में, पांच नंबर में ना, पांच में हाइड्रोक्सी, तो फाइव हाइड्रोक्सी, ठीक है, टोटल कार्बन काउंट कीजिए कितना हो गया, छह, छह को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सेनल, तो यहां पे लिखेंगे हेक्सेनल सल्फोनिक एसिड हो जाएगा, हेक्सेनल सल्फोनिक एसिड। इस तरह से लोगों का नाम करना, आई होप लोग यहां कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट समझ में मिला होगा, और मैं और एग्जांपल लेता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए कुछ एग्जांपल मैंने लिया यहां से समझाने की कोशिश करूंगा कुछ, और यहां पे देखिए यहां पे क्या करना पड़ेगा, इस तरह से यहां पे लेते हैं, यहां पे जो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप और कौन सा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, तो ए देखने से पता चल रहा है क्या, कीटोन ग्रुप, ये देखने से पता चल रहा है क्या, अल्कोहल ग्रुप है, और ये देखने से पता चल रहा है कीटोन ग्रुप है, ठीक है, तो ब्रांच हो गया, ठीक है, तो पहले कौन आता है, एल्डिहाइड कीटोन, पहले कौन आता है, कीटोन, उसके बाद आता है अल्कोहल, हम लोग प्राइमरी किसको मानेंगे, इसको मानेंगे, ठीक है, प्राइमरी इसको मानेंगे, यानी ये यहां पे जो हो क्या होने वाला है, तो यहां पे ये ब्रांच यानी सब्स्टिट्यूएंट, यानी इसका हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑल को यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, हाइड्रोक्सी का यूज करने वाले, ठीक है ना, अब दूसरी बात क्या, काउंटिंग बुक इधर से करना है, तो काउंटिंग इधर से करना पड़ेगा, तो काउंटिंग बुक इधर से करेंगे, क्यों, क्योंकि इधर से देखिए काउंटिंग इधर से करेंगे, इधर से भी कर सकते, इधर से करेंगे, बेटर हम लोग का इधर से काउंटिंग रहेगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इधर से फंक्शन एक चेन भी आ रहा है ना, इधर से काउंटिंग करने पर देखिए 1 2 3 4 नंबर पर हाइड्रोक्सी ग्रुप मैंने ब्रांच, बट यहाँ पे एक ही नंबर को लो ब्रांच मिल जा रहा है, बात समझ रहे ना, तो काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 हो जाएगा, ठीक, अब देखिए यहां से ब्रोमो कितने नंबर में, वन, पहले ब्रोमो ही आएगा, उसको हाइड्रो आएगा, कितने नंबर में, वन, तो लिखेंगे हम लोग क्या, वन ब्रोमो, उसके बाद थ्री हाइड्रोक्सी, उसके बाद क्या है, टोटल कार्बन कितना, हेक्सेन, हेक्सेन क्या लिखेंगे, हेक्सेन लिखेंगे पूरा, ठीक है, हेक्सेन लिखेंगे, लेकिन क्या है, उसके बाद नंबरिंग है क्या, कीटोन ग्रुप है, कितने नंबर पे, टू नंबर पे है, टू नंबर लिख दिए, टू नंबर पे एंड फाइव नंबर पे क्या है, डाई, यहाँ पे लिखेंगे इसका क्या, सफिक्स लिखेंगे, क्या होता है, वन, तो डाई यूनिट का नाम हो जाएगा, आई होप लोग समझ में, यहाँ पे ई लेकिन आ जाएगा, यहाँ पे डी है ना, ठीक, ये हो गया, इसको देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हम काउंटिंग इधर से करें, यहाँ पे तो 100% ये क्या है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बनने वाला, क्या प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप यही बनने वाला, क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिल पहले नंबर पे आएगा, मैंने प्रायोरिटी में पहले ही आने वाला है, तो काउंटिंग इधर से करेंगे, इधर से करेंगे 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे हम लोग काउंटिंग एल्डिहाइड को कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट देखेंगे कब, अगर एल्डिहाइड को काउंटिंग करेंगे तो उस केस में इसका नाम क्या होगा, नहीं करेंगे तब, तो यहाँ पे ऑक्जो और कीटो आप लोगों को समझ में आने वाला है, कब, मतलब ऑक्जो क्या बोलते हैं, फॉर्माइल क्यों यूज करते हैं, ठीक है, तो आप देखिएगा जब हम लोग कार्बन को काउंट करते हैं, कार्बन काउंट, अगर कार्बन को हम लोग काउंट करेंगे तो किसका यूज, कार्बन काउंट अगर करेंगे हम लोग तो किसका यूज करेंगे, ऑक्जो को, और अगर कार्बन काउंट नहीं करेंगे तो हम लोग फॉर्माइल का यूज करेंगे, तो यहाँ पे जो इस कार्बन को काउंट करना पॉसिबल है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कार्बन को काउंट करना पॉसिबल है तो हम लोग किसको यूज करेंगे, ऑक्जो, यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे क्या, ये कितने नंबर पे, 2 3 4 5 नंबर पे, तो लिखेंगे पहले देखिए ये ऑक्जो, ओ फोर ऑक्जो, ये क्या एमीन, ये फोर एमीन, तो क्या लिखेंगे पहले, लिखेंगे अमीन को, फोर एमिनो, फाइव ऑक्जो, क्योंकि यहाँ पे कार्बन को काउंट कर रहे हैं, उसके बाद क्या लिखेंगे, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ये हो जाएगा, अगर हम लोग कार्बन को काउंट नहीं करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, उस तरह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे फोर एमिनो, ठीक है, फोर एमिनो, उसके बाद फोर एमिनो और फोर फॉर्माइल लिखेंगे, उसके बाद देखिए कार्बन को काउंट नहीं, उसके बाद क्या बचेगा, ब्यूटेन बचेगा, ब्यूटेन होएगा, इसे बात समझ में आ रहा ना, तो कभी कभार अगर ऑप्शन में ऐसा भी आ जाए तो आप लोगों को समझ देना, अगर फॉर्माइल ग्रुप आ गया तो कार्बन को काउंट नहीं किया, ठीक है, और अगर ऑक्सो ग्रुप आ गया तो कार्बन को काउंट किया, ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग, इसका जस्ट ऑपोजिट है, यहाँ पर कार्बन काउंट करना पॉसिबल नहीं, किसका, एल्डिहाइड वाला, तो यहाँ पर 100% किसको यूज करेंगे, फॉर्माइल यूज करने वाले, ठीक है, बट यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स कौन आने वाला है, तो प्राइमरी जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप ये दोनों आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, साइनाइड ग्रुप तो आएगा नहीं, साइनाइड तो बहुत नीचे होता है, ठीक है, तो पहले हम लोग उसकी काउंटिंग इधर से करें, इधर से देखिए, इधर से काउंटिंग करते हैं, दूसरा नंबर पे यहाँ पे क्या, साइनाइड ग्रुप आ रहा है, इसलिए हम लोग इधर से काउंटिंग, 1 2 3 4 5
फाइव सिक्स, देखिए काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, एल्डिहाइड का कार्बन को काउंट कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए साइनो ग्रुप में सी फोर साइनो, ये फिर क्या है फॉर्माइल, क्यों, क्योंकि काउंटिंग नहीं कर रहे थे। यहाँ पे लिखेंगे पहले हम लोग टू साइनो, टू साइनो फोर फॉर्माइल, और टोटल कितना काट लू, छे, छे को क्या बोलते हैं हेक्सेन, यहाँ पे लिखेंगे हेक्सेनोइक, इस तरह से नामकरण करना है। जो बेसिक फॉर्मूला जो पहले चलते आ रहा है वही चलने वाला है, इसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं, जो आ रहा है वही आने वाला है। बट आप लोगों को सिर्फ यही याद रखना है, प्रायोरिटी जो मैंने आप लोगों को समझाया तो उसको बढ़िया तरीके से कर लीजिए, और क्या उसके साथ साथ में आप लोग याद करना कि इसका परफिक्स क्या होगा, इसका सफिक्स क्या होगा, परफिक्स और सफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे करने वाला है। क्यों, क्योंकि अगर जब हम लोग को पता हो जाता है कि ये प्राइमरी बिहेव करेगा तो उसको हम लोग क्या लेंगे सफिक्स, और बाकी जो बचने वाला उसको सब क्या यूज करने वाले, मतलब उसका क्या यूज करने वाले परफिक्स, माने जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा यानी जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम लोग क्या यूज करेंगे सफिक्स फॉर्म यूज करेंगे, और जो बाकी बच जाएगा तो सबको हम लोग क्या मान लेंगे सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट को लोग कैसे बिहेव करेंगे तो उसको हम लोग यूज करने वाले क्या परफिक्स यूज करने वाले। बात समझ में, इसको थोड़ा देखिए, ये क्या एल्डिहाइड ग्रुप है, ये क्या है कीटोन ग्रुप है। तो पहले कौन है एल्डिहाइड ग्रुप में, पहले कौन है, पहले एल्डिहाइड है, तो हम लोग इसको क्या मानेंगे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मानने वाले, ठीक है ना। इसका काउंटिंग यूज करेंगे वन टू थ्री फोर, ठीक है। कितना नंबर, थ्री नंबर पे क्या है ऑक्सो लिख सकते हैं, तो कीटो भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है थ्री टू मिथाइल ग्रुप है ना। देखिए यहाँ पे कौन आएगा पहले, मिथाइल आएगा पहले, कौन आएगा, तो पहले यहाँ पे आने वाला जो है वो कौन आएगा, टू आएगा ना, एम फोर मिथाइल, यहाँ पे ओ फोर ऑक्सो आ रहा है, टू मिथाइल, उसके बाद थ्री ऑक्सो, और क्या है टोटल पांच, चार ना, चार को क्या बोलते हैं ब्यूटेनल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्यूटेनल। अब ऐसा बात नहीं सर, यहाँ पे मतलब हमेशा एल्केन ग्रुप होगा क्या, नहीं, ट्रिपल डबल बॉन्ड भी आ सकते, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कौन आ सकता है, ट्रिपल डबल बॉन्ड भी आ सकते, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अगर सपोज मैंने यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड कर दिया, नहीं फिर समझा दूं मैं, ठीक है, एक एग्जांपल लूं, अच्छा एग्जांपल लूं आपको समझा दूंगा, इसको उतार लीजिए आप लोग। देखिए कुछ बेटर बेटर एग्जांपल यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, तो ध्यान दीजिए, ये वाला क्या है, ये वाला इथर ग्रुप है ना, क्या है इस्टर ग्रुप, इस्टर नहीं, इस्टर ग्रुप है, ठीक है ना। ये क्या है एसिड एनहाइड्राइड, क्या है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड ग्रुप, एसिड हैलाइड बोल देंगे, एसिड ब्रोमाइड यहाँ पे बोल देंगे, इतना आप लोग पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, तो ये जो है एसिड नहीं बल्कि यहाँ पे ये एल्डिहाइड ग्रुप पे हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। ये सब ध्यान देना चाहिए कि कौन सा कौन ग्रुप है, ठीक है ना, ये जब तक आपको पता नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस्टर पहले, इसमें पहले कौन आएगा, तो 100% पहले इसमें इस्टर आता है, तो यहाँ पे जो ये वो होने वाला है, ये क्या होने वाला है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होने वाला है, ठीक है। अब ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होने वाला है तो इसका 100% क्या यूज का होने वाला है, तो इसका यूज होने वाला है सफिक्स ग्रुप। सफिक्स का क्या होता है, एल्केन एल्केनोइड होता है, क्या होता है अल्काइल एल्केनोइड होता है, अल्काइल एल्केनोइड ये होने वाला है, ठीक है। बाकी जो बचने वाला सारा क्या हो जाएगा परफिक्स का यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे परफिक्स, क्योंकि ये सब का प्रायोरिटी जो है बहुत नीचे होता है, ये एसिड हैलाइड हो जाएगा, ये क्या एल्डिहाइड हो जाएगा। अब नामकरण करते हैं इसका, ठीक है ना। नामकरण कैसे करेंगे, देखिए एक बात हमेशा रखना है, ये अल्काइल ग्रुप जो इसका होता है ना हमेशा इसको पहले रखना, मैंने अल्काइल ग्रुप जो इसका, मैंने अल्काइल यहाँ पे कौन होगा, इसमें तो मिथाइल ग्रुप होगा ना, तो इथाइल ग्रुप जो इसमें होता है इसका सबसे पहले हमेशा इसको आगे रखा जाता है, क्यों, क्योंकि इसका नियम होता है सबसे पहले जितना सारा इसमें ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट जो भी इसको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको किसको आगे रखना है, इथाइल ग्रुप को आगे रखना है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, इथाइल ग्रुप आगे, यहाँ पे मैंने रख दिया इथाइल, इथाइल हो गया, ठीक, इथाइल मैंने रख दिया क्योंकि इथाइल बोल रहा है। उसके बाद ये क्या है, देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए इसका नाम क्या करेंगे, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे इसका नाम क्या करेंगे हम लोग, बोल देंगे ब्रोमो फॉर्माइल, बोल देंगे ब्रोमो फॉर्माइल, इसका पक्की से ही होता है ना ब्रोमो फॉर्माइल, ठीक है। यहाँ पे बी आ रहा है, ऐसा नहीं करना कि पहले बी को लिख देना कि अल्फाबेटिकल, नहीं, सबसे पहले इसी का नाम लिखाएगा। उसके बाद ये क्या एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड के यहाँ पे बोलने वाले क्या हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे ऑक्सो, क्या बोलेंगे ऑक्सो, क्योंकि यहाँ पे कार्बन को हम लोग काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा इथाइल, इसका नाम नंबरिंग तो कुछ करना नहीं है, क्या हो जाएगा इथाइल, और ये क्या हो जाएगा नंबरिंग, काउंटिंग कहां से करें, कहां से स्टार्टिंग करूं, जिधर से मैं करता हूं काउंटिंग कहां से, यहां से करता हूं, इसमें इसमें देखिए पहले कौन यही आ रहा है, यहां से करता हूं टू थ्री फोर फाइव सिक्स हो जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा इथाइल, ठीक है, इथाइल तो हो गया। अब देखिए यहां से इथाइल हो जाएगा, उसके बाद इसका नंबरिंग में तो देंगे यहाँ पे थोड़ा, देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, कितना नंबर पे देखिए तो वन नंबर पे क्या है ब्रोमो, ठीक है ब्रोमो, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ब्रोमो फॉर्माइल ये होने वाला है, ठीक ये हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर पे क्या है, इसको बाद में देखेंगे। उसके बाद क्या है ऑक्सो, कितना नंबर पे सिक्स नंबर लिखेंगे, सिक्स ऑक्सो ये हो गया, इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या है टोटल काउंट किए कार्बन करके कितना है, टोटल कार्बन को काउंट किए कितने नंबर पे है, टोटल कितना है छह नंबर, छह को हम लोग क्या बोलते हैं हेक्सेन, बट यहाँ पे क्या यूज करेंगे हेक्सीन, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे कर रहा है, तो हेक्सीन यहाँ पे लिखेंगे चार, ठीक है। उसके बाद क्या लिखने वाले हम लोग
हेक्सीन, देखिए एल्काइल एल्केन तो हो गया नोएट ना, तो इन तो हो गया, उसके बाद क्या लगा देंगे नोएट, ठीक है नोएट लगाएंगे तो उसके पास नंबर भी है, क्यों नंबर है ना एट के पास, यहाँ पर नंबर लिखेंगे कितना 3, उसके बाद लिखेंगे इन नोएट एल्केन नोएट, ये हो गया इसका नाम। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये तरीके, ध्यान दिया बहुत कुछ आप लोगों को समझाने में कोशिश किया। सबसे पहले मैंने आपको क्या दिखाया कि यहाँ पे जो अल्काइल एल्केन नोएट क्या हो जाएगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, अब ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होते बाकी बार जितना सारा जो बचा हुआ क्या हो गया सफिक्स में नहीं होगा, सब सफिक्स को यूज होगा, क्यों क्योंकि यहाँ पे सब ब्रांच के जैसे बिहेव करने वाला है, तो ये ब्रांच ये ब्रांच ये ब्रांच है, ठीक है। अब नंबरिंग किधर से करें तो नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे, क्यों क्योंकि इधर से हम लोग का जो मेन प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ रहा है, ठीक है। नंबरिंग यहाँ से नहीं करना स्टार्ट करना, यहीं से नहीं यहाँ से करेंगे, ठीक है। कितना नंबर पे मतलब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से उसके बाद नंबरिंग को मैंने कर दिया, उसके बाद क्या है देखना आप लोग अल्फाबेटिकल में पहले कौन आता, पहले कौन आएगा ब्रोमो, इसलिए लिख दिया मैंने ब्रोमो लिखा, बट इसको कभी नहीं छोड़ना है, ये जो यहाँ पे एस्टर ग्रुप है एस्टर ग्रुप को जो एल्काइल ग्रुप होता है यहाँ पर क्या इथाइल ग्रुप है, तो इथाइल ग्रुप को लास्ट बाद में लिखना पहले लिख देना है, इसलिए मैंने इथाइल ग्रुप को पहले लिखा। मैंने समझाना था बढ़िया तरीके से, यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो मेरे चैनल पर जाकर विजिट कीजिएगा, लिखिएगा कि नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर एंड एमाइड बाय लेबोशर केमिस्ट्री, वहां पर मैंने समझाया था बढ़िया तरीके से, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने वन ब्रोमो फॉर्मेट, क्योंकि इसका नाम होता है ब्रोमो फॉर्मेट, ठीक है, इसलिए मैंने वन ब्रोमो फॉर्मेट वन नंबर पे वन नंबर दिया, उसके बाद सिक्स नंबर पर ऑक्सो, सिक्स नंबर पर ऑक्सो दिया, उसके बाद क्या हेक्स है टोटल कार्बन कितना टोटल हेक्स पे हेक्स लिखा, फोर चार नंबर पे डबल बॉन्ड इसलिए इन लिखा, उसके बाद थ्री थ्री नंबर पे क्या है ए एमाइड ग्रुप इसलिए मैंने लिखा थ्री ओ एट लिखा। आई होप समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा, इसमें सुधार से करने वाले ये क्या है एसिड एनहाइड्राइड, ये क्या है साइनाइड और ये क्या है कीटोन ग्रुप है, तो अब नंबरिंग किधर से करें, ये क्या है एल्डिहाइड ग्रुप है, बात समझ ना। अब नंबरिंग किधर से करें तो 100% नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे, और प्राइमरी मतलब प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप किसको माने, तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हम लोग किसको मानने वाले, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप जो हम लोग मानने वाले इसको मानने वाले, क्यों क्योंकि प्रायोरिटी पहले तो यही आता है ना, उसके बाद तो एल्डिहाइड वगैरह आता है ना, तो ये इसको मानेंगे। अब देखिए इसका नामकरण कैसे करेंगे, काउंटिंग इधर से करने वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 एक कीटोन है, ध्यान दीजिएगा कीटोन है, ठीक है। देखिए हम थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये तो प्राइमरी फिक्स हो गया और बाकी पर जितना सारा से बच गया वो सब क्या है ब्रांच से बिहेव करेगा, ब्रांच से बिहेव करेगा तो उसको क्या लिखेंगे प्रीफिक्स लिखने वाले, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहां से कितना नंबर पे आ रहा है वन नंबर पे आ गया ना, ये ना ये क्या एल्डिहाइड ग्रुप है ना, एल्डिहाइड एल्डिहाइड में तो पहले ही आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या यूज करेंगे ऑक्सो लिखेंगे, क्या लिखेंगे ऑक्सो, बट ये देखिए ये ऑक्सो हो गया, ये क्या हो गया नाइट्राइल लिखेंगे ना, इसका नहीं साइनो हो गया, इसका साइनो हो गया और इसका क्या हो जाएगा कीटोन का ऑक्सो इसका भी होता है। सर यहाँ पे ऑक्सो ले या क्या ले, हाँ ऑक्सो लेना पड़ेगा, क्यों क्योंकि यहाँ पे हम लोग कार्बन को काउंट कर रहे हैं, अगर कार्बन को काउंट नहीं करते तो फॉर्मा लेते हैं एल्डिहाइड ग्रुप में, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे ऑक्सो हो गया, ऑक्सो डबल आ गया, ठीक। अब ये क्या है पांच नंबर में साइनो, तो हम लिखेंगे पहले साइनो ग्रुप को, फाइव साइनो वन, एक वन यहाँ पे एक वन यहाँ पे, कितना देखिए वन पे है कितना एट पे, वन एट डाई ऑक्सो लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है डाई ऑक्सो, ठीक है ठीक है ना। अब देखिए इतना हो गया, अब उसके बाद क्या है उसके बाद और कुछ तो बचा नहीं, दोनों फंक्शनल ग्रुप आ गए। अब उसके बाद हमको क्या लिखना है ए जो मेन फंक्शनल ग्रुप, मैंने किसको इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है ऑयल, क्या होता है लिखेंगे पहले पूरा कि कितना नाम है नाइन, नाइन में क्या बोलते हैं नन नेन, तो नन नेन एक ही सिंगल ग्रुप कंटेन कर रहा है ना नन नेन, ठीक है। नंबरिंग कितना थ्री, उसके बाद लिखेंगे ऑयल क्या है हैलाइड के कौन जो ऑक्सीजन है लिखेंगे क्लोराइड, तो इस तरह से इसका नामकरण हो गया। अब यहाँ से ई हटा देंगे यहाँ पे ओ आ गया ना, तो इस तरह से लोगों का नामकरण करना। आई होप लोग यहाँ बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा और बढ़िया बढ़िया चीजें आपको आप लोगों को मैंने सिखाया, और अगर समझ में आ गया होगा तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए और कॉमेंट भी कीजिए कैसे कैसे लग रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग उतार लीजिए, इसको मैं मिटाता हूँ थोड़ा, देखिए बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल इसमें भी समझाने की कोशिश करूंगा और कुछ नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा आप लोग को। यहाँ पे ये वाला क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये क्या है साइनाइड ग्रुप, ये क्या है एमाइड ग्रुप, तो इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स कौन होने वाला है, मतलब प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप ये होने वाला है। तो साथ ये जब हो गया उसके बाद बाकी बात जो बचा क्या हो गया ब्रांच हो गया, ब्रांच जब हो जाएगा तो क्या यूज करेंगे उसको हम लोग प्रीफिक्स यूज करने वाले, ठीक है ना, सफिक्स का इसका यूज होने वाला है। काउंटिंग यहां कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे नहीं ले सकते। देखिए ये जो नियम आप लोगों को बताया था कि हम लोग कार्बन को काउंटिंग करेंगे सिर्फ एल्डिहाइड में करना, बाकी बात कोई भी फंक्शनल ग्रुप में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ एल्डिहाइड में हम लोग अगर काउंट करते हैं कार्बन को तो हम लोग ऑक्सो लिखते हैं, अगर काउंट नहीं करते तो फॉर्मा लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए 2 एक फिनाइल ग्रुप है, ठीक है ना, ये क्या है इसको हम लोग क्या बोलते थे नाइट्राइल ना, क्या बोले थे साइनो ग्रुप बोले थे ना, साइनो ग्रुप तो साइनो ग्रुप बोले थे, ये क्या है
ये देखिए यहाँ पे इसको हम लोग बोले थे कार्बामोइल, क्या बोले थे कार्बामोइल। तो पहले कौन आएगा दोनों में, कार्बा सी ए, यहाँ पे के सी वाई, तो पहले ये आने वाला कितना नंबर, तो फाइव नंबर लिखेंगे, फाइव कार्बामोइल। इसका परफिक्स यही होता है ना, कार्बामोइल। इसका क्या हो जाएगा साइनो, कितना नंबर पे, फोर नंबर पे लिखेंगे, फोर साइनो। ठीक, उसके बाद कौन सा आने वाला है, टू, टू नंबर पे क्या है, फिनाइल, तो लिखेंगे टू नंबर पे ना, टू फिनाइल, तो मैंने टू फिनाइल को लिख दिया। उसके बाद कौन सा आने वाला, तो इसको काउंटिंग किया कितना नंबर, टोटल नंबर है पांच, पांच को क्या बोलते हैं, पेंटेन। कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, लिखेंगे पेंटेनोइक एसिड, क्या लिखेंगे, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, इसका नाम इस तरह से हो जाएगा। इसमें देखिए थोड़ा सा, इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसमें क्या बोलते हैं, प्राइमरी पब्लिक प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप यही होने वाला है। तो ये तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो गया, बाकी जो बचा सब क्या हो गया, सबस्टिट्यूट, सबस्टिट्यूट यानी ब्रांच, ब्रांच हो जाएगा, तो सबका क्या यूज करने वाले हम लोग, परफिक्स यूज करने वाले। ठीक, अब यहाँ पर बात करें काउंटिंग इधर से करें, तो काउंटिंग इधर से करना चाहिए, काउंटिंग लोग इधर से करेंगे, किधर से, यहाँ से, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। ठीक है, सेवन्थ पे नहीं जाना है, सेवन्थ पे नहीं जाना है, क्योंकि कार्बन इसका हम लोग यूज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम हो जाएगा कि कार्बन का काउंटिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे ओवर दे देता हूँ, इसको कुछ इस तरह से कर देता हूँ, दिक्कत हो जाएगा नहीं तो, ऐसे मैंने इसको किया ना, उसके बाद इसको मैंने ऐसे करके यहाँ पे लिख दिया सी ओ सी। ठीक है, अब इसका कार्बन को काउंट नहीं कर, छह सेवन है गया। ठीक, सेवन हो गया। अब देखिए यहाँ से, यहाँ से हम लोग क्या देखना है, यहाँ से हम लोग क्या देखना है कि ये तो सेवन हो गया, अब इसको लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इथॉक्सी बोलते हैं ना, हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉक्सी कार्बोनिल, यहाँ बोलेंगे इथॉक्सी, क्या बोलेंगे, इथॉक्सी कार्बोनिल। ठीक है ना, इथॉक्सी कार्बोनिल ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए इसका इथॉक्सी कार्बोनिल हो गया। अब ये क्या है, देखिए यहाँ पे ये ब्रांच किसका करेगा, किसका करेगा ब्रांच, यहाँ इसका नाम क्या लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इथाइल, सॉरी मिथाइल, हाँ मिथाइल होगा, दो कार्बन है ना, इसका नाम तो छोड़िए, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम साइनो हो जाएगा। तो पहले कौन आ रहा है देखिए, तो पहले कौन आ रहा है, यहाँ पे ई, यहाँ पे ई, यहाँ पे साइनो, पहले ये तो आएगा थ्री, लिखेंगे पहले थ्री साइनो। ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा, ई टी एच वाई, यहाँ पे ये पहले आएगा, कितना नंबर, इसको क्या लिखेंगे, कितना नंबर पे, ये लिखेंगे हम लोग सेवन नंबर पे, सेवन ना, सेवन नंबर पे ना, सेवन इथॉक्सी कार्बोनिल। ठीक है, इथॉक्सी कार्बोनिल हो गया। उसके बाद क्या है, इथाइल ग्रुप, कितना नंबर पे, छह नंबर पे लिखेंगे, सिक्स इथाइल, सिक्स इथाइल हो गया। उसके बाद क्या, उसके बाद कुछ बचा नहीं, उसके बाद टोटल कितना, सेवन, सेवन को क्या बोलते हैं, हेप्टेन, तो लिखेंगे हेप्टेन, बट यहाँ पे ट्रिपल बोन कर, डबल बोन अटेंड कर रहा है, कितना नंबर पे, सेवन में, तो हेप्ट सेवन इन नोइक एसिड, इन नोइक एसिड, इस तरह से इसको नामकरण करना है। आई होप आप लोग को बढ़िया तरीके समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो मैं खत्म करता हूँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, और यदि आप लोग समझ में नहीं आ रहा तो प्रीवियस क्लास हर एक देखिएगा, तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में खत्म करते हैं, वीडियो कैसा लगा।